तो हे दोस्तों गाइस, वेलकम बैक टू अदर ब्लॉग ऑफ ऋषि थामेद ब्लॉग। एंड आज के दिन गाइस, मतलब आज के दिन नहीं, कल के दिन गाइस बहुत ज़्यादा हाहाकार मच गया था हमारे गांव सॉल में। एंड जैसे कि आप लोग देख सकते हो, आप लोगों ने न्यूज़ वगैरह देखी होगी, चक्रीवादल जो है मध्य महाराष्ट्र तरफ आया था। एंड उसमें ना बहुत सारे गाँव, बहुत सारे शहर तबाह हो चुके हैं। एंड मतलब तबाह नहीं को बोल सकते, बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है लोगों का। एंड हमारा तो देखो ये क्या हो गया पता है क्या, ये जो टीवी थी ना यही गीली हो गई, ऊपर से सेटअप बॉक्स पर पूरा का पूरा ये गिर गया। एंड वो देखो वो बाहर जा रहा है, वो मुखी वो देखो उसको अभी भागते भागते आया हुआ है। एंड आज के दिन जो है, बट जो भी देखा जाए मंजर देखना रहता है। यहाँ से मेरी दादी खिड़की से देखा था, इतने मोटे मोटे बर्फ के, क्या बोलूँ आपको, गारे गिर रही थी, मतलब इतने मोटे मोटे बर्फ के ढेकले गिर रहे थे। एंड वो टूट कर सब बिखर जा रहे थे, एंड बिखरने के बाद में दूर दूर हो जा रहे थे, बहुत ज्यादा भयानक था। एंड हमारे घर पे लाइट भी गई हुई है, कल रात से लाइट नहीं आई, बस एक दो बार आई थी 5 मिनट के लिए, फिर वापस चली गई। कल रात को मैं था जगा हुआ, थोड़ा मतलब नींद में था, मैंने पूरा का पूरा मंजर देखा भैया, बहुत ज़्यादा भयानक था। शाम के टाइम आया था वो चक्रीवादल, एंड इतनी ज़्यादा तबाही मचा गया ना, अभी आज के ब्लॉग में आपको पता चल जाएगा। आज के ब्लॉग में हम लोग आपको बताने वाले हैं भूसौल की सिचुएशन इस वक्त क्या है, एंड इस वक्त कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है हमारे विलेज में। तो अगर आपको अगर ये वाला ब्लॉग पसंद आता है, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स बिगिन द ब्लॉग गाइज, आई एम रेडी एंड मैं रेडी हो चुका हूँ। अभी हम लोग अभी निकलने वाले हैं यहाँ की सिचुएशन बताने के लिए। एंड हमारे साथ ये जो है ये छोटे वाले मेहमान भी आ रहे हैं। आप चलोगे ना हमारे साथ में, गाइज के साथ में? हाँ चलो फिर हम लोग चलते हैं गाइज। एंड हम लोग आपकी पूरी की पूरी सिचुएशन बताएंगे। ये देखो पीछे देखो, वो बाबा जी देखो कैसे खड़े हुए हैं, वो देखो मुँह छुपा लिया बाबा जी ने। चलो चलते हैं हम लोग, पहले शूज़ पहन लेता हूँ एंड निकलते हैं हम लोग सीधे हमारी डेस्टिनेशंस के लिए। आपको यहाँ की सिचुएशन बताऊंगा। ये देखिए बाबा जी, हेलो बाबा जी, जा रहा क्या? जा रहा हो बाबा जी? ओके सो गाइज, अभी मैं यहाँ से अभी निकल चुका हूँ। हम लोग अभी घर से अभी निकल चुके हैं, मैं और ये साथ में, और हम दोनों अभी सॉरी हमारे डेस्टिनेशन वगैरह पे जाएंगे और देखेंगे आजू बाजू के सारे सिचुएशंस जो कि अभी कल के दिन तूफान के बाद में हुई है। एंड बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है बहुत से लोगों का, बट हमारा ज़्यादा नहीं हुआ है। बाकी अगर देखो आपको मैं दिखाऊँ ना, तो फिर एक मेढा वो उधर, जैसे कि आप लोग देखो अभी सामने देख सकते हो, वहाँ पर एक ट्री गिरा हुआ है। एंड यहाँ पर देखो ये जो कचरा कुंडी थी, यहाँ पर पूरे के पूरे ये रखे हुए हैं झाड़ वगैरह। एंड यहाँ पर से बहुत ज़्यादा भयानक तरीके से देखो, जैसे कि आप लोग देख सकते हो सामने देखो वो झाड़ गिरा हुआ है। एंड वहाँ पर वो आंटी शायद से उसके पत्ते वगैरह निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये कल के बाद हुआ है। एंड हनुमान मंदिर तरफ की सिचुएशन से ज़्यादा क्रिटिकल है ये। देखो ये यहाँ पर थोड़ी ये ट्री वगैरह बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन थी कल के दिन, बट कैसे तो भी करके बहुत सारे लोगों ने सरवाइव कर ली इस सिचुएशन को। वैसे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है अभी, मतलब बहुत से लोगों के घर के बाहर की चीज़ें उड़ जा रही थी, बहुत से लोगों की अंदर की चीज़ें उड़ जा रही थी, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन थी। एंड कल के दिन हमारे भी जो है, हमारी भी बहुत सारी जो है ऊपर रखी हुई जो चीज़ें थी वो भी नीचे गिर गई। एंड बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो गई थी, बट बहुत से लोगों ने इसको सर्वाइव कर लिया, बहुत से लोग नहीं कर पाए, बहुत से लोगों की जाने भी गई है इसके अंदर। बट जो भी बोले, ये जो तूफान था ना ये बहुत ज़्यादा भयानक था। मैंने कल के न्यूज़ में देखा था, ये चक्रीवादल था जो मध्य महाराष्ट्र में आया था, एंड उसी की वजह से ये सब हुआ है। बहुत ज़्यादा भयानक थे वैसे सिचुएशंस। एंड कितना भी बोले तो इसके अंदर कुछ कुछ हमारे ह्यूमंस का भी किया धरा है, ह्यूमंस की भी वजह से हुआ है बहुत सी चीज़ें। एंड ये जो अभी जो आप जो नुकसान देख पा रहे हो मेरे पीछे या तो फिर ये साइड पर, ये भी उसी की वजह से हुआ है। ये देखो यहाँ पर भी वही हाल है, यहाँ पर भी वो सब ट्री वगैरह गिरे हुए। मुझे लगा था यहाँ पर वैसे बड़ा वाला ट्री गिरा था, बट उसको एक साइड रख दिया गया है। एंड यहाँ पर देखो कितना ज़्यादा वो नुकसान हुआ है यहाँ पर। एंड ये सब नुकसान की भरपाई मेरे को लगता है करेंगे, सरकार ही करेगी, बट उसमें कुछ कुछ हमारे आम नागरिकों भी करना पड़ेगा, नागरिकों को भी। एंड जैसे कि हम लोग देख सकते हो, ये देखो ये वही वाली जगह है जहाँ पर वो अपना ये जो है छोटा डॉगी ये यहाँ पर पानी पीता था। एंड वो देखो ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है सिचुएशन, बट ज़्यादा कुछ नुकसान हुआ नहीं है, बट बहुत से ऐसे जगह यहाँ पर नुकसान हुआ है। इतने दिन तो व्लॉग बनाने का ना बनाने का मतलब रीज़न तो मैं बताना भूल ही गया, मेरे जो है टेस्ट चालू थे एंड उसकी वजह से मैं जो है मेरे व्लॉग्स वगैरह नहीं बना पा रहा था। बट अभी जो है ख़त्म हो चुके हैं एंड रिज़ल्ट भी लग चुका है। रिज़ल्ट में भाई मैं थर्ड आया हूँ, हाँ थर्ड बोल रहा हूँ, सेकेंड आया हूँ गाइज, मैं सेकेंड आया हूँ मैं मेरे मतलब हमारे क्लास में 9th स्टैंडर्ड में। एंड ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है
क्योंकि आज के पहले मतलब मैंने बहुत सी जगह है जहाँ पर मतलब बहुत से ऐसे क्लासेस है हमारे जिसमें मैंने फर्स्ट या तो फिर सेकंड पोजीशन अचीव की है। एंड आज जो है 9th में भी मैंने है ना सेकंड पोजीशन अचीव की थी। पिछले साल की बात है, पिछले भी साल मैंने ना सेकेंड ही पोजीशन अचीव की थी। एंड उसके पहले जब 7th था जब तो कुछ पता नहीं चला, वैसे भी लॉकडाउन था, बट 6th की अगर बात की जाए तो 6th में मेरी फर्स्ट पोजीशन रही थी। इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं लगा था, बट गाइज आज से हमारे ब्लॉग्स डेली स्टार्ट हो जाएंगे। एंड देख सकते हो आप यहाँ पर फिर से वही झाड़ गिरे हुए हैं, डायरेक्ट जड़ से उखड़ गए कुछ झाड़ तो ऐसे है कि उनके ऊपर की डंगालियाँ गिरी है। एंड बहुत ज़्यादा सिचुएशन क्रिटिकल थी, बट कवर कर ली जाएगी मुझे लगता है यहाँ के लोगों के थ्रू। तो हम लोग अभी यहाँ से जा रहे हैं थोड़े ये वाले साइड से ताकि हम लोग उस झाड़ को देख पाए। यहाँ पर भी वही है, झाड़ गिरे हुए हैं या तो फिर कुछ लोगों की टीट जो है चीजें टूटी हुई है। बताइए हमारी प्यारी प्यारी मोती देखो चलती हुई, इतना सब कुछ हो गया और इसको इतना सा भी फर्क नहीं पड़ रहा है इससे। मतलब इस तो तुझ है ही नहीं, थे आधे पीछे त्या हुआ है, ये तो उस्ता चलते रहता है। ये देखो मोची पीछे तो दे दो, नहीं देते दे जान दो। वो देखो गाइस बाप रे, अब वो झाड़ के नीचे से कैसे निकलूंगा वो पता नहीं, पूरा का पूरा झाड़ ही उखड़ गया डायरेक्ट। वो आपको दिखाओ क्या, थोड़ा पास चलते एंड पास से दिखाता हूँ आपको, पूरा का पूरा झाड़ उखड़ गया डायरेक्ट। को ये देखो ये है यहाँ की सिचुएशन, आगे मत बढ़ना आगे मत बढ़ना। ये देखो डायरेक्ट पूरा का पूरा झाड़ ही उखड़ गया, ऊपर से देखो ये पूरा का पूरा ये लेके उखड़ा है। बाप रे पूरा का पूरा झाड़ देखो, ये यहाँ पर कोलैप्स हुआ है वो, यानी यहाँ से नीचे से निकलना पड़ रहा है यहाँ से हमको। एंड ये देखो बहुत ज़्यादा, ये देखो बहुत ज़्यादा यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो रखी थी, बट हो चुका है, अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा, 1-2 दिन में फिर से नॉर्मल हो जाएगा हमारा गाँव। तो अभी मैं घर पर अभी वापस आ चुका हूँ एंड इसको हम लोगों ने यहाँ पर बैठा दिया है। ये देखो ये बैठ मस्त से बैठ गया, किधर दिख भी नहीं रहा है वो, तो वो देखो वो रहा वो मस्त से बैठ गया वापस जाकर। एंड कोई बात नहीं, बट हम लोग अभी आगे थोड़ी और सिचुएशन अभी हम लोग क्लियर करने वाले। आपको मैं एक जगह पर लेकर जाता हूँ, आपको मेरी लता वहाँ का घर पता है ना, वहाँ पर देखो एक सीन हुआ है, वो सीन आपको दिखाकर लेकर आता हूँ। सो गाइस अभी हम लोग साइकिल से निकल चुके हैं एंड एक हाथ में मेरे ये है क्या कहते हैं इसे हमारा सेल्फ स्टिक, एंड एक हाथ से मैं साइकिल ड्राइव कर रहा हूँ। बाप रे ठुकते ठुकते बच गया। एंड आपको अगर मैं सामने की लोकेशन बताऊँगा तो सामने जो नुकसान हुआ है मेरे को लगता है वो हो रहा है ठीक, एंड वहाँ पर एक ट्रक लगा हुआ है बीच में, इसलिए हम लोग ये साइड से जल्दी से जा रहे हैं। तो चलो फिर चलते हैं। ओके सो जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हो अभी यहाँ से मैं निकल चुका हूँ घर से। एंड हाँ आपको एक बात बताना भूल गया, ये जो इतना तो क्लियर आ रहा है इसका रीज़न है कि मैंने जो है न्यू फ़ोन ले लिया है, एंड वो न्यू फ़ोन की वजह से इतना ज़्यादा क्लियर आ रहा है अभी ये सब। एंड उसका कैमरा बहुत ज़्यादा अच्छा है इसलिए ये सब भी क्लियर आ रहा है, क्लियर वीडियो आ रही है। वरना मेरे पुराने वाले फ़ोन्स जो थे ना दोनों हॉनर एंड वीवो, उसमें इतना ज़्यादा क्लियर नहीं आ रहा था। जी हमारे साथ में एक और हमारे सब्सक्राइबर भाई आ चुके हैं। एंड अब जैसे आप लोगों को दिखाऊँ ना, तो ये देखो आपको एक मिनट कैमरा मूव करके दिखाता हूँ। ये देखो ये है, देखो ये यहाँ की सिचुएशन, यहाँ पर देखो ये जो है झाड़ की डंगाली यहाँ पर पूरी हो चुकी क्रैश। एंड यहाँ पर भी झाड़ गिरा हुआ था वैसे तो, बट हटा दिया गया है। एंड ये देखो ये हमारे भाई है, इनका भी जो है एक यूट्यूब चैनल है, इनको भी जरूर सब्सक्राइब करना, मैं कमेंट में इसके चैनल के लिंक दे दूंगा। एंड देखो ये यहाँ पर वो जो है झाड़ का वो डंगाली वहाँ पर कोलैप्स हुई थी, बट वो देखो आधे पे से अटक गई है, वो वहाँ पर है ना आधे पे से अटक गई, अगर वो थोड़ी सी भी और टूटी ना तो वो सीधे नीचे गिरेगी वो। अरे वहाँ पर मतलब वहाँ पर भी हुआ है कुछ। एंड हमारे साथ में जो पीछे है ना ये बनी पता है ना आपको, वही है हमारा प्यारा भाई का, मेरा छोटे भाई मतलब बड़े भाई का लड़का बनी, उसके साथ में भी कुछ आया है वहाँ पर के क्या सिचुएशन है क्या नहीं, नाली का पानी देख रहे थे हमारे स्कूल तरफ आ गए इस बार। तो हम लोग स्कूल में कुछ ज़्यादा कुछ नुकसान तो मुझे दिख नहीं रहा है, नहीं स्कूल में ज़्यादा कुछ कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है स्कूल तरफ, बट यहाँ पर हुआ है। हाँ मुझे पता है कि वो चक्रीवादल के डर से पहले काट दी गई थी यहाँ के डंगालियाँ, बट सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी वो। मतलब देखो वो सामने का भी झाड़ के वास्ते डंगाली गिरी है, मुझे इतना तो पता है। एंड ये देखो ऐसी सिचुएशन हुई थी, आगे भी देखो वो देखो आगे भी देखो, वो वहाँ पर गिरे हुए, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन थी। स्कूल तरफ आ गए यहाँ पर भी वही है।